ये चतुरंकर इतना समझदार कब से हो गए? शांति से बात कीजिए। हम शांति से बात क्यों करेगा? शांति को पता है कि हमारा बाकी का कलर किधर गया? आप बड़े चंट है। मने? शांति से मतलब धीरज से काम लीजिए। अरे बहुत नॉनसेंस, हम धीरज से काम क्यों लेंगे? हम तो किसी धीरज को जानता भी नहीं है। तुम जानता है धीरज को? जब भिक्के बाबू देखिए, हमारा बाकी का रंगो भी आपके पास ही होंगे, हम आपकी तलाशी लेंगे। बोले दीच्छे, क्या बात कर रहे हैं यार? आप इधर आइए, तलाशी लेंगे। आप बिना बड़े चंट है। अरे देखो, किस्मत के सुपरस्टार हैं चतुर जी, जो जूजू से उनके शांत नीले अवतार में मिल रहे हैं। अगर जूजू अपने लाल भड़कीले मूड में होते तो इनकी बैंड ही बचाती। क्या है? संयम से ढूंढिए, संयम से ढूंढिए। ये बताइए, कुछ मिला? नहीं, क्योंकि कुछ मिलेगा भी नहीं। हाँ। क्योंकि कुछ है भी नहीं। वही तो। अगर कुछ है तो वो ये है। ये तो गीला है और कितना नीला है। देखो विक्की बाबू, आप ही मेरे को एक इमरजेंसी में पेंटिंग बनाते होवे तो मैं आपके ये नीला कलर वाले रुमाल से ही बना लेता हूँ। किन तो बाकी का मेरा कलर भी मेरे को चाहिए बोल रहा हो? ढूंढ के आएंगे। बोले दीप्ची मायरी। चतुर जी, चतुर जी, चतुर जी, जूजू ये आपने क्या किया? आपने चतुर जी को वो रुमाल क्यों लेकर जाने दिया? जूजू वो नीला रंग जादू ही है, पता नहीं अब क्या होगा। आप बिना कुछ भी शांति रखिए, शांति, सही है। हम घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी जाकर वो रुमाल ले आते, ठीक है? जल्दी जाइए। मेरा आसमान, जूजू जल्दी जाइए। सही है, सही है। तुम्हें पता है, विक्की अंकल अपना रंग हर दिन में नहीं, हर घंटे में बदलेंगे। अच्छा है? और वैसे ही फटाफट मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और मैं बन जाऊंगी स्टार स्टूडेंट। झुनझुन, अगर तुझे भी स्टार स्टूडेंट बनना है तो वीलू अंकल के दूसरे हाथ पे भी मैजिक करना होगा। ये सही रहेगा। अले सोई है, बचा लो। अले 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 सॉरी 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 बर्दी बर्दी सॉरी यार, अरे सॉरी। हाथ को क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, पहले राइट हैंड था, अब लेफ्ट हैंड भी। अरे 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 यार, तुम आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? लगती मुझे, अरे मत मारो। अरे ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। आप यहाँ आराम से बैठिए। थल मैं थल 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 ओ सर, ये थल। हाँ, मैं अभी बॉस को बुला के लाता हूँ। वित्ती थल, ये हमारे वित्ती थल हैं। ओ हेलो सर, मायसेल्फ विक्की, मैं प्रिया एयरलाइंस का सबसे होनहार पायलट हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? एक्सक्यूज मी, सुनो, चतुर जी को देखा? ये थल, मैंने अभी अभी उन्हें उस तरफ से भात तल जाते हुए देखा। उस तरफ? सर आई एम सॉरी, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। बर्फी, जब तक सर को कंफर्टेबल फील कराओ। या एक्सक्यूज मी, मेरा मैं अभी बॉस को बुलाकर लाता हूँ। एक्सक्यूज मी। ये प्रिया एयरलाइंस का सबसे सीनियर मोस्ट पायलट, ऐसा वेरी स्ट्रेंज। अरे यार क्या कर, बस करो तुम दोनों। अरे यार क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों मेरे अपने हो भाई। देखो लेफ्ट, तुम राइट से झगड़ा नहीं करोगे, और देखो राइट, तुम लेफ्ट से झगड़ा नहीं करोगे। समझ में आ गई ना बात? यू आर माइन। चलो 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 अंदर जाना, कैनी सर इंतजार कर रहे होंगे। वो तुम्हें झगड़ते हुए देखेंगे तो क्या कहेंगे? चलो दरवाजा खोलो। अरे यार प्लीज प्लीज डोंट डू दिस टू मी।
दोनों ऐसे नहीं मानोगे। जी सर जी, आपने मेरी गल्ला सुनो जी, ए निकले यहाँ से। सर जी, मेरा ना बचपन से ना ये ड्रीम है जी कि मैं एक चंगी वाली एयर होस्टेस बन के ना पूरी दुनिया विच ना वर्ल्ड टूर करूँ जी। लेकिन अगर मैं चंगी वाली एयर होस्टेस नहीं बनी ना, तो मैं ना सेंटी हो जाऊंगी। और आपको पता है, जब मैं सेंटी होती हूँ ना, तो थोड़ी ना मेंटल हो जाती हूँ। वैसे भी ज्यादा बोलना ना, आई डोंट लाइक जी। मेंटल तो तुम हो ही। अबे तू होगा मेंटल, समझो तू है। चल तू है मेंटल के ही। चल निकल ले यहाँ से। चल सर, हेलो हेलो सर, हेलो। आई एम कैप्टन वेला। कैप्टन वेला, शुक्र है कि आप आ गए। कोई तो नॉर्मल इंसान दिखा। हेलो हेलो, सॉरी सॉरी। हेलो वेलप्रजी, आप इनको कहो ना कि मैं एक चंगी वाली होस्टेस बन सकती हूँ। नहीं, आप इनको बताओ ना कि मुझे पायलट का पूरा काम आता है। एयर होस्टेस पायलट, एयर होस्टेस पायलट, वेलप्रा जी एयर होस्टेस पायलट, एयर होस्टेस पायलट। अरे बस करो तुम दोनों। सॉरी वेलप्रा जी। कैप्टन वेला, ये तो कमाल हो गया। मैंने तो सोचा था ये दोनों कभी चुप ही नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपने एक ही दहाड़ में, एक ही आवाज में दोनों को चुप करा दिया। अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं तुम्हारी पैट बजा दूंगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे सर, मैं कहां कुछ कर रहा हूँ, ये जो कर रहे हैं मेरे हाथ कर रहे हैं, वो भी बिना मैंने मर्जी के। अरे मान जाओ मेरी बात, मान जाओ यार। अरे सर, मैं आपको चुप होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं इनको चुप होने के लिए बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं मान रहे। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तूने मेरे वेला प्राची को पागल का, अगर तूने मेरे प्राची को पागल का ना, मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा, समझा? तुझसे बुरा तो कोई और हो भी नहीं। तुम दोनों तो सिर्फ पागल हो, ये महा पागल है। मेरा अतरंगी प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन बेचारे वेलू अंकल मुसीबत में फंसने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस अतरंगी जादू को बेअसर कैसे करूं? अब जब तक अतरंगी जादू का तोड़ नहीं मिलेगा, तब तक मैं सतरंगी जादू को भी बेअसर नहीं कर पाऊंगी। ओह जेट लॉर्ड, प्लीज 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 मेरी हेल्प करो। ये खबरू जिन, इसको बिना एन वक्त पर ही गायब होना पड़ता है। कब से बुला रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। जीनी, हम ये कह रहे थे कि चारों तरफ मैंने चतुर्जी को ढूंढ लिया, लेकिन उनका कहीं पता ही नहीं चला। अच्छा जरा ये तो बताओ, इस जादू का कोई तोड़ मिला? नहीं जुजू, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। ओ ओ चिनलोर, जुजू तो ऑरेंज कलर में बदल गए। अब मतलब आध्यात्मिक बातें करेंगे? ये दुनिया माया है, इसे चलाने वाला वो वहां ऊपर बैठा है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, चक्रव्यूह में फंसता है जो भी यहाँ आया है। असर शुरू हो गया। बालिके, मैं बालिके? आप बालिके? देखो वैसे तो हम अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कदापि किसी से कोई सहायता नहीं मांगते, किंतु हम तुमसे एक सहायता मांग रहे हैं। अगर हो सके तो शीघ्र ही हमें हिमालय की चोटी पर पहुंचा दो, ताकि हम अध्यात्म में लीन हो जाए, अपने विदाता, अपने भगवान को याद कर सके। हेलो जीनी, विक्की को तुरंत मेरे कैबिन में भेजो, मिस्टर वाली आ चुके हैं। यस सर, ओके सर। जूजू, आपको बॉस ने कैबिन में बुलाया है, अब मिस्टर वाली आ गए हैं। लेकिन आप इन कपड़ों में कैसे जाएंगे? ना बालिके ना, ये मत भूलो कि ये वस्त्र तो बाहर का आवरण है, असली इंसान तो इन वस्त्रों के भीतर छुपा होता है। जैसे कि ये हमारा शरीर वस्त्र ही तो है,
जिसे हम बार बार बदलते रहते हैं, किंतु अपनी आत्मा को नहीं बदल सकते, क्योंकि आत्मा आत्मा सत्य है। सत्य इसीलिए हमेशा शांति शांति। लेकिन मेरी बात जिन लॉर्ड, लगता है आज तो जुजू की नौकरी जाकर ही रहेगी। कुछ तो करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? तो खबरू, ये भी कहीं नहीं है, कब से बुला रही हूं इसको। खबरू मिस्टर वालिया, विक्की हमारे प्रिया एयरलाइंस का सबसे टैलेंटेड और सबसे होनहार पायलट है। इनफैक्ट उसके पास ऐसे नए नए आइडियाज हैं, अगर आप भी सुनेंगे ना तो चौंक जाएंगे। लेकिन मिस्टर विक्की है कहाँ? बस आता ही होगा। आनंद, ये लो, विक्की आ गया। आनंद, जरूर विक्की को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ है। ये स्वीटी पाई को हुआ क्या है? इतनी सारी नई नई कलरफुल ड्रेसेस आ कहाँ से रहे हैं? वो भी सब मैचिंग मैचिंग। मुझे भी इस डिजाइनर से मिलना चाहिए। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक तरफ विल्ला का फ्लाइंग लाइसेंस कैंसिल होने वाला है और दूसरी तरफ विक्की की वजह से ये इन्वेस्टर भाग खड़ा होगा। ये है वो पायलट, अजीब है। थोड़ी देर पहले सर से पांव तक नीला था और अब ऑरेंज। आनंद 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 कौन? आनंद खुशी। अब ये खुशी कौन है? अर्थात हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आनंद आनंद, वो आनंद जिसे प्राप्त करने के लिए हम युगों युगों से भटक रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आप सब भी आंखें बंद कीजिए और साथ में बोलिए शांति। मौन रखो। मैं तो कहता हूं कुछ क्षण के लिए आप सब भी मौन रखिए, फिर देखिए कैसे आनंद प्राप्त होता है। हाँ हाँ, वो सब रखेंगे, पहले बिजनेस की बात हम कर ले थोड़ा सा। ये नहीं नहीं मिस्टर प्रताप, बिजनेस बाद में। वी मस्ट ट्राई दिस। आजकल सारी दुनिया मेडिटेशन की तरफ जा रही है। देयर इज नो हार्म ट्राइंग इट। एक बार ट्राई करना चाहिए। ऑफ कोर्स, मैं भी वही कह रहा था। श्योर। तो बोलो विक्की, क्या करना है? बहुत आसान है। सबसे पहले अपने हाथों को आगे लाइए। बालिके भीख नहीं मांग रही हो। ऐसे इंद्रियों को। ओके। ऐसे करने से कनेक्शन सीधे हृदय में जाता है। आंखें बंद, लंबी लंबी सांसें, साथ में बोलिए शांति। आनंद प्राप्त हो रहा है, परम आनंद। मैं ना कहता था मिस्टर वालिया, विक्की के पास एक से बढ़कर एक आइडियाज होते हैं। क्यों डॉक्टर? डॉक्टर वाह, कितना रिलीफ लग रहा है। अरे कैप्टन विक्की का ये आइडिया तो हमें सब स्टाफ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। क्यों प्रिया डिग्री? बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अंकल, मैं तो किसी और ही दुनिया में पहुँच गयी हूँ। वाओ स्वीटी पाई, क्या आइडिया है। स्वीटी पाई, स्वीटी पाई, क्या हुआ बेटा? डैड, स्वीटी पाई तो चला गया। चला गया? ये कैसा मजाक है मिस्टर प्रताप जी? देखिए मिस्टर वालिया, अगर विक्की यहाँ से गया है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। क्या वजह हो सकती है? समझ में नहीं आता इस विक्की का मैं क्या करूँ। रूल्स के हिसाब से मेरा शतरंगी चल तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या जीनियस, इसके चक्कर में जीने की जूजू भी परेशान हो रहे और जीने दीदी भी। हाँ, और मेरे शतरंगी जादू की वजह से बेचारे वीलू अंकल भी बहुत परेशान हो रहे हैं। वैसे प्रोजेक्ट के लिए जितना चाहिए था वो तो हमने शूट कर लिया। हाँ तो ठीक है ना, तुम अपना जादू टेडी बेयर से हटा दो।
जादू, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि मेरे सतरंगी जादू के जवाब में धीरे धीरे ने विक्की अंकल के ऊपर अतरंगी जादू कर रखा है, इसलिए वो दोनों जादू मिक्स हो गए। अब कुछ नहीं हो सकता। शांति शांति शांति, मौन में ही स्वर्ग है। इंडिको कलर, ये तो क्रिएटिविटी का कलर है। इसका मतलब टेडी बेयर और क्रिएटिव हो जाएंगे। हाँ सच, प्लीज सर, सर प्लीज प्लीज सर, बात सुनिए सर, सच सच सच, तू 7 जन्म भी ले ले, एरोसेस नहीं बन पाएगी सर। और तू ना 14 जन्म भी ले ले, तू जो पायलट की बात करता, पायलट तो छोड़, तू ना ऑटो का ड्राइवर भी नहीं बन पाएगा, समझा? प्लीज सर, प्लीज सर, मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर, नो मौका, नो समझाना। पकड़ो, मेरे हाथ ठीक हो गए, वापस कंट्रोल में आ गए। सर सर प्लीज सर, सर मुझे एक मौका दीजिए सर, मैं कसम खाता हूँ सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मुझे एक मौका दीजिए समझाने का। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज प्लीज, नो मौका एंड नो समझाना। नो 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 मत बोलिए सर, प्लीज यस यस बोलिए सर, मैं आपको सब समझा सकता हूँ, आप प्लीज सर मुझे एक समझाने का मौका दीजिए सर, प्लीज। विला माय फ्रेंड, आर यू इन सम ट्रबल? आई एम इन बिग ट्रबल। थोड़ा अरे यार क्या है, तेरे कान किधर गया? ए यो स्मॉल आई। ओ या 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 स्टार्ट या जीनियस, अब देखते हैं कि टेडी बेयर अपनी क्रिएटिविटी से इस प्रॉब्लम को कैसे संभालते हैं। सुन तो सुन तो, पागल है, सबके सब पागल है यहाँ पर। मुझे एक मौका दीजिए सर प्लीज। अरे कैसे मौका दे दूं, जब तुम्हारे हाथ पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है तो फिर फ्लाइट पर कैसे कंट्रोल रखोगे? हो ना हो, नीला के ऊपर इन बच्चों ने ही कोई जादू किया होगा। आपको मेरे दोस्त वेला के बारे में गलत फहमी है। दरअसल वेला हमारे एयरलाइंस प्रिया एयरलाइंस के सबसे काबिल होनार और टैलेंटेड पायलट है। या अच्छा, काबिल और टैलेंटेड, वो कैसे बताओ? वो दरअसल ऐसे, I'll explain about that later. दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों है डिम्पी और बानी, ये दोनों फिलहाल इसके सर पे सवार है ना वेला? हाँ सर सवार है, सवार है। हाँ कैसे सवार है वो मैं आपको समझा दूं। दरअसल डिम्पी जो है वो मेरे दोस्त वेला की सिस्टर है, और बनी जो है वो हमारे बॉस का भतीजा है। सो दिस मैन इज कंफ्यूज्ड, लिसन, ही इज कंफ्यूज्ड कि अगर वो साइड ले तो किसका ले, है ना वेला? हाँ सर, बोलिए ना किसकी साइड लूं। इसीलिए इसका नतीजा ये है कि बेचारा उन दोनों को एक कुछ बोल तो नहीं पाता बिकॉज ऑफ द रिलेशंस। या तो ये क्या कर रहा है, ये अपने दोनों हाथों को आपस में लड़ाता है। लड़ा के दिखाओ, ऐसे ये दोनों को लड़ा रहा है ताकि इन दोनों को समझा सके, एग्जांपल दे सके कि ये दोनों हाथ जब आपस में लड़ते हैं तो इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है ना वेला? हाँ सर, कुछ नहीं निकलता सर। या इट्स जस्ट कांट गोपाल। इससे मेरे दोस्त वेला इनको ये भी सिखाना चाहते हैं कि जब ये हाथ आपस में लड़ते हैं तो कितना बुरे लगते हैं। उसी तरह जब ये दोनों मैच्योर पीपल सोसाइटी में आपस में लड़ते हैं तो कितने बुरे लगते हैं, है ना वेला? हाँ सर, मैं यही दिखाना चाहता था। That's it, McKenny. वाह मिस्टर रंग बिरंगी, क्या कमाल का अंदाज है आपका समझाने का, मैं सब समझ गया। आप तो समझ गए लेकिन अफसोस ये दोनों ये बात को नहीं समझते। हाँ सर, और यही बात मैं इन दोनों को समझाने के चक्कर में आपसे बदतमीजी कर बैठा सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। नो 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 मिस्टर वेला, आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया। आप एक ग्रेट इंसान है और एक ग्रेट इंसान ही ग्रेट पायलट बन सकता है। थैंक यू सर, लेकिन सर आप ना कमाल के ग्रेट हैं सर। नो चमचागिरी सर, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू। आई मीन टू से आप मेरे दोस्त वेला को फ्लाइंग टेस्ट का मौका देंगे? नो, ये हरगिज नहीं हो सकता वेला सर, ये हरगिज नहीं हो सकता कि मैं मिस्टर वेला को फ्लाइंग टेस्ट का मौका ना दूं। वेला थैंक यू सर, मुझे पूरा यकीन है
कि मिस्टर वेला फ्लाइंग टेस्ट को फ्लाइंग कलर्स में पास करेंगे। सर आप ग्रेट हैं सर। नो चमचागिरी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच विक्की। मेरे भाई तूने बचा लिया। ईस्ट और वेस्ट, माय भाई इज द बेस्ट। हेलो माय फ्रेंड, यू आर आल्सो द बेस्ट। ओह मैन। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.